हाय गाइस, दिस इज टीना। वेलकम टू माय चैनल टीनास क्रिएटिव स्टूडियो। गाइस, आज का ये वीडियो एक ट्यूटोरियल वीडियो है एंड इस ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ये ब्यूटीफुल से फ्लावर ब्रोचेस कैसे बनाएं। सो इन फ्लावर ब्रोचेस को हम फ्लोरल बंचेस भी कहते हैं। सो गाइस, ये जो ब्रोचेस आप यहाँ पर देख रहे हैं ये टू कलर्स में हैं। वन इज़ इन पिंक कलर एंड अदर इज़ इन ब्लू कलर। तो ये फ्लावर ब्रोचेस गाइस मैंने बेबी शार थीम पे बनाए हैं। तो आप इसी तरह का सिमिलर ब्रोच बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इस ब्रोच को आप कैसे क्रिएट करें एंड इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं एंड में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इस ब्रोच को आप अपने गिफ्ट हैम्पर्स या गिफ्ट बास्केट्स पे कैसे यूज़ करेंगे। तो वीडियो के एंड में मैं आपको इसका यूजेज बताऊँगी। सो लेट्स सी कि इस ब्रोच को बनाने के लिए हमें किस किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपके पास घर पर जो भी मटेरियल है आप उसके थ्रू भी अपना एक फ्लावर ब्रोच क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह का सिमिलर मटेरियल चाहिए गाइस, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, उस इंस्टाग्राम पेज पर जाकर आप हमसे रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं, जिसमें आपको सिमिलर रॉ मटेरियल मिलेगा, सो दैट आप बिल्कुल सेम इसी तरह का ब्रोच क्रिएट कर सकें। सो लेट्स सी कि अब हमें इस ब्रोच को बनाने के लिए किस किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। सो गाइस, ब्रोच बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये चाहिए, ये एक नेट की शीट है। इस तरह की ये जो शीट है, इसको तो मैंने गाइस एक अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिया है। जिस साइज़ में मुझे अपना ब्रोच बनाना है उसमें मैंने ऑलरेडी इसको कट कर लिया है। बट ये जो शीट है ये इस तरह के रोल्स में आती है गाइस, तो इस तरह के नेट रोल्स बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते हैं एंड आपको मेरे इंस्टाग्राम स्टोर पे भी ये मिल जाएंगे। दिस वन इज़ इन गोल्डन कलर। उसके बाद आपको चाहिए कुछ फ्लावर्स। सो गाइस, आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी जो हैं वो बहुत सारी वेराइटी में आते हैं। सो ये वाले जो पर्टिकुलर फ्लावर्स हैं, दीज आर फोम फ्लावर्स। तो मैंने इस ब्रोच को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर फोम फ्लावर्स का यूज़ किया है। उसके बाद आपको चाहिए कुछ साटिन रिबन्स एंड कुछ फिलर्स, इस तरह की कुछ गिफ्ट पैकिंग वाली वायर एंड ऑफ कोर्स सीजर्स एंड अ ग्लू गन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सो सबसे पहले ये जो शीट है गाइस, ये अप्रॉक्सीमेटली 7 inches के अराउंड है। सो ऐसा कुछ भी फिक्स्ड साइज़ नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग रफली एक शीट को कट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस, इफ़ यू रिमेंबर, हमने अपने स्कूल टाइम में हम सभी ने पेपर फैंस तो बनाए हैं, तो सिमिलरली हमें इसे एक फैन फोल्ड करना है। तो फैन फोल्ड करेंगे हम सबसे पहले इसको इस तरह से अप एंड डाउन। यहाँ पर हम दो ब्रोचेस बनाएंगे, एक पिंक कलर में और एक ब्लू कलर में। तो फर्स्ट ब्रोच के लिए मैं इस तरह का फैन फोल्ड वाला पैटर्न यूज़ करूँगी एंड नेक्स्ट ब्रोच में मैं आपको एक डिफरेंट पैटर्न दिखाऊँगी, आप उस तरीके से भी इस शीट को जो है फोल्ड कर सकते हैं। मेक श्योर कि जब जिस टाइम पर आप अपना जो शीट है उसको फैन फोल्ड कर रहे हैं, उसका जो क्रीज है वो प्रॉपर हो, सो दैट उससे आपका जो ब्रोच का जो बेस है उसका जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छा आएगा। सो गाइज, अगर आपने भी अपने स्कूल टाइम में फैंस बनाए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आई एम श्योर कि हम सभी ने अपने अपने स्कूल टाइमिंग्स पे पेपर फैंस ज़रूर बनाए हैं। इस तरह से हमें इसे पूरी शीट को फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमारी ये जो शीट है अब ये फोल्ड हो गई है। शीट को फोल्ड करने के बाद हमें जो है इसका एक सेंटर पॉइंट लेना है। और गाइस, सेंटर पॉइंट से आपको जो है वायर की हेल्प से इसको टाई कर देना है। अगर आपके पास वायर नहीं है इसे टाई करने के लिए, तो आप थ्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं। सो गाइस, जब हम इसको वायर से सेंटर में हम इसको जब वायर को टाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बो शेप में दिखेगा। थोड़ा सा हम इसको जो स्प्रेड कर लेंगे
स्प्रेड करने के बाद ये थोड़ा सा ओपन हो जाएगा एंड ये प्रॉपर एक सर्कुलर शेप में आ जाएगा। आप चाहें तो आप इस तरह की बोल शेप में भी सेंटर में फ्लावर लगा के बना सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा स्प्रेड वे में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो थोड़ा भरा भरा सा ब्रोच बनता है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। थिक शीट का पीस है जो मैंने लिया है, इसको मैं एक स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। इसको स्क्वायर शेप में कट करके, आपके पास कोई भी वेस्ट पेपर हो, वेस्ट शीट हो, बट मेक श्योर कि वो थोड़ा सा थिक हो ताकि जो बेस है वो उसको होल्ड कर सके। इसके ऊपर हमने ये जो फ़ैन बनाया था इसको हम अटैच करेंगे ग्लू गन की हेल्प से। गाइस प्लीज़ ग्लू गन को यूज़ करते टाइम थोड़ा सा आप केयरफुल रहें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो आपके हाथ पे लग भी सकती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुली आप इसको यूज़ करें। इस तरह से हमें इस फ़ैन को जो है इस पेपर के ऊपर लगा देना। तो इससे क्या होता है कि आपके जो फ्लावर ब्रोच को है एक नीचे से बेस मिल जाता है। अब ये जो हमारा फ्लावर ब्रोच का जो नीचे का बेस है वो ऑलमोस्ट रेडी है। जैसे कि मैंने इस ब्रोच के अंदर दो ब्लू फ्लावर्स और एक वाइट फ्लावर यूज़ किया है और साइड में मैंने कुछ फिलर्स यूज़ किए हैं। फिलर्स इस तरह के मैंने रिबन्स और ग्रीन फिलर्स को यूज़ किया है। तो लेट्स सी कि हम इसको कैसे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ले लेंगे रिबन। मैं आपको बताती हूँ कि आपको बो कैसे बनानी है। सो गाइस बो बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये जो कॉर्नर है आपको इस तरह से ओवरलैप करना है। उसके बाद आपको इस तरह से सेंटर में से इसको यहाँ पर अच करके इस प्रोसीजर को यूज़ करके आप इस तरह की 5 to 6 बोस क्रिएट करेंगे। तो गाइस इसी तरह से मैंने कुछ बोस यहाँ पर ऑलरेडी बना कर रखी हुई थी। अब हम देखते हैं कि हमें इन बोस को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जो फिलर है इसको इसके ऊपर ग्लू गन से अटैच कर देना। उसके बाद ये वाला जो एक वाइट फिलर है हम इसको अटैच कर रहे हैं। ग्रास फिलर्स अटैच करने के बाद अब हम ये जो रिबन्स हैं इनको अटैच करेंगे। तो इसके लिए गाइस मैं क्या करूँगी, ये जो जिस तरह से आप ये जो बो देख रहे हैं इस बो को मैं डबल कर दूँगी। डबल इन द सेंस कि मैं इसको यूं फोल्ड करके ऑपोजिट साइड पे मैं जो है ये रिबन्स को लगाऊंगे। एक फोर रिबन लगाने के बाद गाइस अब मैं एक फ्लावर अटैच करूंगी ब्लू कलर का। थोड़ा सा हम इसको प्रेस करेंगे ताकि जो नीचे का ग्लू है वो थोड़ा सा सेटल हो जाए और ये फिलर्स जो हैं अपनी सब अपनी प्लेस पर पेस्ट हो जाए सही से। उसके बाद एक और ब्लू कलर का फ्लावर हमने यूज़ करना है तो उसको भी मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी। अब हम कुछ रिबन्स को अटैच करेंगे।
इसको टेस्टिंग के बाद हम इस तरह से ओपन कर देते हैं। इसी तरह से गाइस मैं रिबन के फिलर्स इसमें डालती जाऊंगी। एंड लास्ट में अब जो हमारा बचा है वो है ये वाइट कलर का फ्लावर। तो इस वाइट कलर के फ्लावर को भी हम इस तरह से तो आपका ये ब्यूटीफुल सब ब्रोच जो है वो रेडी। सो लेट्स सी इसी तरह से हम पिंक वाला ब्रोच जो है वो कैसे बनाएंगे। गाइस पिंक ब्रोच का पैटर्न भी सेम ही रहेगा, बाकी सारे स्टेप सेम रहेंगे। पर स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे बोला था कि वो जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम मैंने आपसे कहा था कि नेट जो है वो डिफरेंट वे में फोल्ड कर सकते हैं आप। एक तो फर्स्ट जो ब्रोच हमने बनाया था उसके अंदर हमने पेपर फैन स्टाइल में हमने जो है नेट को फोल्ड किया था। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपने जो है अपनी नेट को ऐसे स्ट्रेट रखकर इस तरह से आपने अपनी नेट को सेंटर में से ऐसे होल्ड करना है एंड आपको थोड़ी सी ऐसी प्लीट्स बनाते जाना है दोनों तरफ से। सो पर्सनली मुझे ये वे थोड़ा सा ज़्यादा इजी लगता है बिकॉज जो फ़ैन फोल्ड है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में। बट इस वाले में क्या है कि आप जल्दी जल्दी जो है प्लीट्स बनाते जाएंगे इस तरह से हम सेंटर से आप इसको थोड़ा सा सेटल डाउन करके अब जो आप हैं यहाँ से। सो मैं यहाँ आप इसको वायर की हेल्प से सेंटर में से टाई कर रही हूँ। सो या गाइस ये सेकंड बेस भी हमारा रेडी है। सो मैंने आपको दोनों ब्रोचेस में दो डिफरेंट वेज ऑफ नेट फोल्डिंग सिखाया है। फर्स्ट जो हमने ब्लू ब्रोच बनाया था उसके अंदर हमने पेपर फैन का पैटर्न यूज़ करते हुए ब्रोच उसके अंदर हमने पेपर फैन वाले फोल्ड से अपने नेट को फोल्ड किया था। एंड इस वाले ब्रोच में हमने प्लीट्स डालकर जो है अपना ये बेस बनाया है। तो आगे का जो प्रोसीजर है वो सेम ही रहेगा, सारे स्टेप सेम रहेंगे। तो जल्दी से हम इस वाले ब्रोच को भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे दोनों ब्रोचेस बनके अब रेडी हैं। तो हमने एक ब्रोच पिंक कलर में बनाया है और एक ब्रोच ब्लू कलर में बनाया है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बिगिनिंग में बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि आप इन ब्रोचेस को कहां पर यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस पिंक और ब्लू ब्रोच बनाने का जो मेरा रीज़न था वो ये था कि ये ब्रोचेस जो हैं बेसिकली बेबी शार थीम्स या बेबी हैम्पर्स के लिए मैंने बनाए हैं। तो आप इसी तरह के ब्रोचेस को बनाकर अपने जो भी बेबी हैम्पर्स होते हैं या बेबी बास्केट्स होती हैं या बेबी से रिलेटेड कोई भी गिफ्ट्स आइटम्स होती हैं उसमें आप डेकोरेशन के लिए इन ब्रोचेस को यूज़ कर सकते हैं। तो इन ब्रोचेस को आप कैसे यूज़ करेंगे, ये जो बैक साइड पे हमने ये जो पेपर का पीस लगाया है, जब भी आपको अपने इस ब्रोच को बास्केट में या किसी भी गिफ्ट हैम्पर पर यूज़ करना है तो प्लीज़ गाइस आप इसको ग्लू गन की हेल्प से मत लगाइएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो हैम्पर है वो डैमेज हो सकता है और उसके बाद ये जो ब्रोच है ये रीयूज़ भी नहीं हो पाएगा। तो आप इसको एक डबल टेप का पीस यहाँ पर पेस्ट करके देन डायरेक्टली आप अपने गिफ्ट हैम्पर पे इस तरह से अप्लाई कर लीजिए। एंड इसका एक और फ़ायदा जो है वो ये भी होता है कि जब आप जिसको भी ये गिफ्ट बास्केट देंगे वो कल को इसको जो है इस तरह से रिमूव करके इसको रीयूज़ कर सकता है। तो ये जो ब्रोचेज़ हैं ये रीयूज़ भी हो जाएंगे। तो इसलिए हम पीछे की साइड पर ऐसे पेपर लगाकर हम जो है ये ब्रोचेज़ बनाते हैं। तो या गाइस हमारे ये ब्यूटीफुल से दो ब्रोचेज़ रेडी हैं बेबी शावर थीम के लिए, पिंक एंड ब्लू। सिमिलरली अगर आप किसी और थीम के लिए, वेडिंग थीम के लिए या किसी फेस्टिवल के लिए कोई ब्रोच बना रहे हैं
तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कलर चॉइस, फ्लास्क के कलर्स, रिबन के कलर्स अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इन द एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड सबके साथ शेयर कीजिए गाइस, सो दैट जिनको भी इस तरह के फ्लावर ब्रोचेस बनाने हैं या फिर जिनके भी घर में कोई ओकेजन्स हैं और वो इस तरह के फ्लावर ब्रोचेस बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। एंड मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो या गाइस, स्टे ट्यून्ड, बाय।